students, first of all the students take pledge with me. I, Mandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win the fight against COVID-19. Dear students, now open your conversation book. Book name is, in last assignment we covered chapter number 4 of your conversation book. Book name is New Way of Conversation. Move to chapter number 4, that is My House. इसके हमने जो questions हैं वही पहले हमने revise कर लिए हैं, जो left हैं इसके questions वो हम आज revise करेंगे. Where do you eat food? Means आप कहाँ पे खाना खाते हो, कौन से रूम में आप खाना खाते हो. I eat food in the dining room. मैं कहाँ पे खाना खाता हूँ, dining room में. Is your house well ventilated? जो आपका well ventilated means होता है कि आपका जो घर है उसमें जो हवा है क्रॉस होती है अच्छी तरह से. Yes, my house is well ventilated. मेरा जो house है वो अच्छी तरह से well ventilated है, हवा उसके अंदर बाहर क्रॉस होती है. Next question है, is there a park near your house? क्या आपके घर के पास कोई पार्क है? Yes, there is a park near my house. हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है. अगर नहीं है तो आपने लिखना है no, there is no any park in near my house. Next question है, is there a wall around your house? आपके घर के पास कोई wall है, means दीवार. Yes, there is a wall around my house. Yes, मेरे घर के चारों तरफ एक wall है, उसकी boundary है, wall से cover किया हुआ है घर. Your next question is there a chimney in your house? Chimney means आपके घर से जो धुआं निकलता है, क्या आपके घर में chimney है? यहाँ पे है no, there is no chimney in my house. लेकिन मेरे घर पे है, तो मैं क्या लिखूंगी, yes there is a chimney in my house. अगर आपके घर पे है तो yes लिखना है, अगर नहीं है तो no लिखना है. Next question is there a lawn in your house? Lawn means आपके घर पे छोटा सा पार्क है खेलने के लिए. No, there is no lawn. Lawn जैसे झूले लगे होते हैं आपके घर में, स्विंग्स होते हैं ना लगे होते हैं, आप टेबल होते हैं बैठे इधर रेस्ट करते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक योर हाउस? क्या आपको अपना घर पसंद है? डेफिनेटली सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है. येस आई लाइक माई हाउस मीन्स माई हाउस चैप्टर में क्या है, सारे क्वेश्चन आपके हाउस से रिलेटेड हैं, आपके घर से रिलेटेड हैं. ये आपको मैंने यहाँ पे इस असाइनमेंट फॉर्म में आपको मैं वर्क भेजूंगी, आपने ये रिवाइज करना है, मीन्स जस्ट लर्न करने हैं. नो नीड टू राइट एनीथिंग ऑन एनी नोटबुक, आपके कन्वर्सेशन की बुक के ऊपर है तो जस्ट आपने ये रिवाइज करनी है. ओके बच्चे, ये आपका कन्वर्सेशन का हो गया है. इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कन्वर्सेशन से जो कंबाइन है वो है ग्रामर की असाइनमेंट है. ग्रामर में आपका सारा सिलेबस है जो मे मंथ का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे. फर्स्ट चैप्टर है आपका नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स है पेज नंबर 7 पे. नेमिंग वर्ड की डेफिनेशन हम लर्न करते हैं पहले. नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. नेमिंग वर्ड क्या है, किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी एनिमल का नाम है और कोई चीज़ का नाम है. नेमिंग वर्ड टू टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्ट नेम्स और कॉमन नेम. एग्जैक्ट नेम लाइक मेरा नाम मनदीप है, ये एग्जैक्ट नेम है. इंडिया एक कंट्री का नाम है, ये भी एग्जैक्ट है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते. कॉमन होती है बुक कोई भी हो सकती है, मैथ्स की, ईवीएस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी हो सकती है. टेबल
वुड का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रूम ड्राइंग रूम भी हो सकता है, बाथरूम भी हो सकता है, डाइनिंग रूम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है रूम। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्ट नेम एंड कॉमन नेम। क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स? क्या होते हैं? किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम और किसी थिंग का नाम। नाउ अब हम बुक नंबर 7 ओपन करेंगे। ये आपको पिक्चर्स में आपको मैंने पहले भी करवाए हैं। गर्ल, डॉगी, इनकम्प्लीट दिए हैं आपको, इनको कंप्लीट करना है। जी आई आर एल गर्ल, डी ओ स्पेस छोड़ी हुई है आपने, ओ जी डॉग बॉल, ये एक्टिविटी आपने ऐसे करनी है। यहाँ पे फिर से आपको ये एग्जाम्पल उसकी डेफिनेशन दी है, नेम्स ऑफ पीपल एनिमल थिंग्स एंड प्लेसेस। सम वर्ड्स आर नेम पीपल, कुछ शब्दों के नाम इंसानों से जुड़े होते हैं, लाइक कोई गर्ल हो सकती है, मम्मा हो सकते हैं, पापा, ग्रैंडफादर, डॉक्टर, मदर, नर्स, ये वाले। कुछ होते हैं एनिमल्स वर्ड्स, कुछ नेम्स होते हैं एनिमल्स लाइक डॉग, पैरट। कुछ होती हैं प्लेसेस, स्कूल, पार्क, शिमला, गोल्डन टेम्पल एंड सो ऑन। थिंग्स में हम क्या कंसिडर करते हैं? बॉल, मून, पैरट एंड सो ऑन। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करिए, राइट द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। पर्सन्स में कौन कौन आता है? फादर, फायर फाइटर, डॉक्टर एंड टीचर। एनिमल्स में हॉर्स, पेंगुइन, माउस, स्नेक। थिंग्स में बलून, ट्रेन, केक, हैट। एंड प्लेसेस में क्या आता है? फार्म, जू, पार्क एंड स्कूल। ये नीचे आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपने चूज करके यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा आपका जो प्लेस में आता है, कौन सा एनिमल में आता है, कौन सा पर्सन है और कौन सा थिंग है। ये मैचिंग है, यहाँ पे आपने टेबल है उसको कंप्लीट करना है। पर्सन, बॉय, बॉय एक पर्सन है, मदर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, पायलट, इंजीनियर, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। प्लेस, गार्डन, पार्क, गोवा, स्कूल, शिमला, एयरपोर्ट, जो भी जगह है, मीन्स किसी जगह का नाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एनिमल में लायन, डॉग, हॉर्स, टाइगर, एलिफेंट, कैट, रैट, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, तो यू कैन राइट एनिमल नेम ओवर हेयर। थिंग्स में किसी भी चीज़ का नाम, लाइक फ्लावर, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, ये आपको एक्टिविटी पेपर में आ सकती है। देयर आर टू नेमिंग वर्ड इन ईच सेंटेंस, अंडरलाइन दैम। हर एक वर्ड में दो नेमिंग वर्ड हैं, आपने उनको अंडरलाइन करना है। द वर्ड्स आर ऑन द ट्री। पक्षी क्या है? एनिमल्स में आ जाते हैं, ट्री एक प्लेस है, तो दोनों को अंडरलाइन करना है क्योंकि दोनों नेमिंग वर्ड हैं। हॉर्स एनिमल है, ग्रास एक थिंग है, दोनों को अंडरलाइन करना, दोनों नेमिंग वर्ड्स में आते हैं। शीप एनिमल में आ गया, वूल थिंग में आ गया। चिल्ड्रन पर्सन्स में, गार्डन प्लेस में, टीचर भी एक पर्सन है एंड बोर्ड एक थिंग है। तो इनमें से जो आपको नेमिंग वर्ड है उनको आपने अंडरलाइन करना है बच्चे, और यू जो आपकी ये डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड की, आपने इसको रिवाइज करना है, बट ओनली ऑन रफ नोटबुक। सिर्फ रफ नोटबुक के ऊपर आपने ये रिवाइज करना है, इसको आपने रफ नोटबुक के ऊपर रिवाइज करना है, और जो मैंने आपको कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपने लर्न करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द सब्जेक्ट वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।